हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पिक्स आर्ट में कृति देव फॉन्ट कैसे लिखें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, ठीक उसी तरीके से पिक्स आर्ट में कृति देव फॉन्ट कैसे लिख सकते हैं, यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से यह एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है पिक्स आर्ट। उसके बाद सिंपल आप इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद ड्रॉ फॉर टाइप करना है। उसके बाद क्रिएट न्यू पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लैंक पेज दिख जाएंगे, आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी पेज ले सकते हैं। तो चलिए हम इसी पेज पर वर्क करते हैं और इस एरो पर क्लिक करते हैं। एरो पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको कॉर्नर पर दिख रही व्हाइट कलर के अंदर जो एरो है उस पर आपको क्लिक करना है, इस वाले एरो पर। और उसके बाद एडिट इमेज में चले जाना है, नीचे एफएक्स एडिट इमेज। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स दिख जाएंगे, इसमें जाना है आपको टेक्स्ट वाली टूल्स में और टाइप करना है उस पर। और यहाँ से टेक्स्ट में लिखना है। लिखने से पहले आपको एक बात हम यहाँ बता दें कि आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी में टाइपिंग के लिए, जिसे हम लोग कृति देव कहते हैं, कृति देव में लिखने के लिए आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप यूनिकोड, जिसे हम लोग कृति देव टाइपिंग कहते हैं, यूनिकोड नहीं आती है तो आप कृति देव में नहीं लिख सकते। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप कृति देव या कृति देव फॉन्ट में लिख सकते हैं। उनके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जो कि आपको इस आई बटन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे आप देख लें कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो आप फिर भी कृति देव फॉन्ट में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा था जय माता दी लिखा हुआ था, तो हम लिखते हैं जय माता दी। जय माता दी के लिए कोड होता है टी से होता है ज और सेमी कॉलन से होता है ये लिखा गया जय। उसके बाद माता लिखना है हमको, तो ई से होता है म, के से होता है आकार, उसके बाद आर से होता है तो फिर के से होता है आकार, ये लिखा गया जय माता। उसके बाद दी लिखना है तो एन से होता है द और एच से होता है हारसिन। इस तरीके से ये यूनिक कोड में लिखा जा चुका है जय माता दी। और चलिए हम इसे फॉन्ट में आपको दिखाते हैं। तो सिंपल हम टिक मार पर क्लिक किए, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये फंड्स दिए गए हैं ये बाई डिफ़ॉल्ट फंड हैं पिक्स आर्ट के, लेकिन आपको इस फॉन्ट में नहीं जाना है। यहाँ पर आपको प्लस वाली आइकन पर क्लिक करना है, हमने जो फॉन्ट इसमें डाला हुआ है कृति देव फॉन्ट, उस फॉन्ट पर हम बताएंगे आपको। इस फॉन्ट को आप कैसे डाल सकते हैं वो भी हम बताएंगे, आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। तो जाना है आपको माई फॉन्ट में। चलिए हम यहाँ से कलर ले लेते हैं इसका, टेक्स्ट टूल में जा कर के बैक में अपना कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है जय माता दी। इस तरह के हमारे सामने बहुत सारे फंड्स हैं, हम थोड़ा इसको शैडो और स्ट्रोक दे देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यह दिख रहा है, स्ट्रोक देते हैं वाइट में। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे फंड्स हैं। ये सभी फंड्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने जो फंड्स में लिखी है वो आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आपको इस यूनिक कोड वाली जो हमने टाइपिंग की वो नहीं आती है तो आप, हमने पहले ही बताया जो आई बटन में वीडियो डाला गया है या डिस्क्रिप्शन में, उसे देख ले आप सीख सकते हैं कि अगर आपको नहीं आती है हिंदी टाइपिंग यूनिकोड की टाइपिंग तो भी आप कैसे कृति देव फॉन्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो कि अभी आप देख पा रहे हैं, जो हमारा फेवरेट फॉन्ट है इनका, इनमें का वो हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें हमने लिखा है जय माता दी वो।
सॉरी कहाँ गया यार, तो ये मेरा फंड्स है जिसमें हमने लिखा था जय माता दी। तो कुछ इसी तरीके से आप लिख सकते हैं पिक्स आर्ट में जय माता दी, इस तरीके से फंड्स में। जैसा कि हम यहाँ पर और कुछ आपको लिख करके दिखाते हैं, हम अपना नाम लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो नाम का कोड होता है वो होता है LQT और सेमी कलून। इस तरीके से मेरा नाम लिखा गया सुजय, आप देख सकते हैं। हम यहाँ से एक कोई कलर ले लेते हैं। इस तरीके से यह कोड आपको आनी चाहिए। अगर कोड नहीं आती तो उसके लिए हमने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अब चलिए, ये तो ही लिखने की बात, अब पिक्स आर्ट में हम फंड कैसे डाल सकते हैं यह सीखते हैं। इसके लिए जो भी हम फंड आपको इस लिंक देंगे इस डिस्क्रिप्शन में, उस फंड्स को आपको डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके TTF फॉर्म में कर लेना है। वो भी हमने उस वीडियो में बनाया है, जो कि लिंक आपको मिलेगा। उस वीडियो में देख ले कि TTF फॉर्म में कैसे उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद अपना फाइल ओपन करें। फाइल ओपन कीजिएगा तो जो डाउनलोड किया हुआ फाइल होगा वो आपके मोबाइल फ़ोन में ही होगा। तो सिंपल आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हम सिंपल के तौर पर आपको बताते हैं कि जैसा हमने फाइल डाउनलोड किया और इस फंड्स नाम का फोल्डर में वो आया हुआ है इसमें, तो सिंपल आपको इस तरह क्लिक करना है। कुछ इसी तरह से आपको दिखेगा, कुछ इस तरह से यहीं सब फंड्स हैं, आप देख सकते हैं। ये फंड्स आपको डाउनलोड करना है इस डिस्क्रिप्शन से। तो सिंपल आपको इसको कॉपी कर लेना है और मोर पर क्लिक करना है, और यहाँ ऑप्शन आपको मूव मिल जाएगा, आप कॉपी या मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद जाना है डिवाइस में। उसके बाद आपको पिक्स आर्ट नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा। अगर आप पिक्स आर्ट इंस्टॉल किए होगा उसी टाइम ये फोल्डर बन जाता है। तो आपको पिक्स आर्ट नाम का फोल्डर में जाना है। उसके बाद इसी में एक फोल्डर आपको मिलेगा फंड का, आप देख सकते हैं नीचे है। तो उसमें जाकर के आपको इसको पेस्ट कर देना है या मूव कर देना है। आप देख सकते हैं हमने पहले से ऑलरेडी यहाँ पर मूव किया हुआ था, इसलिए हम वहाँ लिख पा रहे थे। हम यहाँ दोबारा नहीं मूव करेंगे क्योंकि यह पहले से हमने यहाँ पर मूव कर रखा है। सिंपल आपको यहाँ पर मूव कर लेना है। उसके बाद ठीक उसी तरीके से आपको जाना है पिक्स आर्ट में और इस प्लस वाली आइकन पर जा कर के माई फॉन्ट में सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और आसानी पूर्वक आप लिख सकते हैं। तो कुछ यही तरीका था जिसके माध्यम से आप पिक्स आर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से कृति देव फॉन्ट लिख सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।